स्वागत है नए वीडियो में हमारे चैनल ट्रावल गणेश जी के। और अभी आप जो देख रहे हैं कोहिमा शहर जो है नागालैंड का कैपिटल, और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी है, वो आपने देखा अभी वो फास्ट बस फास्ट चल रही है हमारी थोड़ी, तो उतना रुका नहीं पाया मैं। और यह नागालैंड का सब्जी मार्केट, सॉरी कोहिमा का, स्पॉन्सर किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और ऐसे ही वहाँ पे छोटे छोटे दुकान है वहाँ पे कोहिमा में, जो मैं कह रहा था स्पॉन्सर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और मैं वहाँ पे जा रहा था, बस से जा रहा था, तो ये रही मेरी बस। बस थोड़ी पुरानी किस्म की है, या पुरानी टाइप लग रही है, या पुरानी बस है। और ये रहा टैक्सी स्टैंड, वहाँ पे नागालैंड में टैक्सी बहुत महंगी हो चार्ज देते हैं, बस से 3 या 4 गुना चार्ज देते हैं वो। बस जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ी पुरानी टाइप की है, तो उनके थोड़े सॉकअप्स इतने अच्छे नहीं हैं। और ये रहा कोहिमा सिटी, तो आपको दिख रहा है कोहिमा एक पूरी तरीके से पहाड़ पर बसा हुआ शहर है, हिल स्टेशन भी कह सकते हैं इसे आप, और पहाड़ पर बसा हुआ है। और नागालैंड का मोस्टली पार्ट पहाड़ी पार्ट है, तो वहाँ पे ट्रेन सिर्फ एक ही जगह चलती है, दीमापुर तक चलती है, उसके आगे आपको पूरा स्टेट जहाँ पर भी जाना आपको बस से आता है। और ये पहाड़ी राज्य होने की वजह से यहाँ पर मोस्टली आपको जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे वो टीन के देखेंगे, टीन और लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, आपको कंक्रीट का इस्तेमाल बहुत कम दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए आप नज़ारे देखिए कोहिमा शहर के, कोहिमा शहर में छोटे बड़े हर तरीके के दुकान अवेलेबल है, बट आपको बड़े बड़े मॉल नज़र नहीं आएंगे जैसे मुंबई और दिल्ली में है, ऐसे आपको मॉल नहीं नज़र आएंगे, लेकिन आपको दुकान अलग अलग जो भी आपको ख़रीदना चाहते हैं आप चीज़ें आप मिल सकती हैं आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहाड़ी राज्य होने से वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 40+ हो गया अराउंड, और नागालैंड की पॉपुलेशन भी कम है। और ये देखिए पूरा का पूरा शहर पहाड़ पे बसा हुआ है, जैसे मैं कह रहा था पहाड़ी राज्य है ये नागालैंड। और एक्चुअली मैं अभी बस में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो का इतना स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए पूरे के पूरे सिटी यहाँ से दिख रही है पहाड़ पे। और यह पीछे से दिखा रहा हूँ मैं आपको बस के पीछे का पार्ट है।